हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हल्दी अगर आप सोने से पहले इस तरह अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। हल्दी जो होता है एंटीबैक्टीरिया एंटीसेप्टिक का काम करता है, साथ ही आपके चेहरे पर कील मुहासे पिम्पल्स आने से रोकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हल्दी जो होता है हम खाने में यूज़ तो करते ही हैं, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसके साथ साथ चेहरे के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो है हल्दी का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, तो इसे कैसे आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये छोटी सी वीडियो बहुत ही काम की है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। नाइट में आप इसे यूज कीजिएगा, डे में नहीं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स हाफ टी स्पून टर्मरिक, ये है कस्तूरी टर्मरिक। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप नॉर्मल हल्दी भी ले सकते हो, लेकिन गांठ वाली हल्दी जो पिसी हुई मार्केट से आती है उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है, उससे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। प्योर हल्दी लेना है तो फ्रेंड्स वो हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा और इसे नाइट में अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसमें मैं हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल यूज़ कर ली हूँ। यहाँ पर आप प्लांट का भी यूज कर सकते हो, मार्केट का भी, ये जो है आपके ऊपर है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। एलोवेरा की जो बेनिफिट हो आप लोग जानते ही हैं कि स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, दाग धब्बों को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये जो है मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स 1 टीस्पून हनी। हनी जो होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, चेहरे पर कील मुहासे आने से रोकता है और स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। और इसे मिक्स करके आपको पैक बना लेना है और ये पैक फ्रेंड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपके चेहरे को बहुत ही प्यारा ग्लो देगा, उसके साथ साथ आपका चेहरा काफ़ी निखरा हुआ दिखाई देगा। अगर आप कंटिन्यू इसे एक वीक इस तरह यूज कर लेते हैं नाइट में तो आपके चेहरे के डार्क स्पॉट भी आपको लाइट होते हुए दिखेंगे। अगर आपके चेहरे पर इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे कि किल मुहासे के दाग धब्बे आ जाते हैं, पिगमेंटेशन है, या आपके चेहरे पर कैसे भी दाग धब्बे हों, अगर आप इसे कंटिन्यू डेली नाइट में यूज करेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा, आपके चेहरे पर निखार दिखेगा, ग्लो दिखेगा। एक ही बार लगाने के बाद आपको काफ़ी फर्क महसूस होगा, सुबह आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग चमक होगी, जैसा कि रोज़ होता है उस तरह आपका चेहरा नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। 100% आपको लगेगा कि इसका वर्क बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बन जाने वाला है। और इस तरह आपको चेहरे पर लगा के मसाज करना है और इस पैक को कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है फ्रेंड्स। और उसके बाद सोने से पहले आपको इसे नॉर्मल वाटर से आपको वॉश करना है और इसके बाद आपको सॉप वगैरह नहीं लगाना है। अगर आप जैसे कि नॉर्मली हल्दी लगाते हो तो थोड़ा येलो कलर छोड़ देता है ना चेहरे पे, तो उसको भी रिमूव करने के लिए आपको सॉप वगैरह नहीं यूज करना है, आप पूरी नाइट ऐसे ही रहने दीजिए। और इसे डे में बिल्कुल नहीं यूज कीजिएगा, क्योंकि डे में अगर आप हल्दी यूज करते हो दिन में तो सूर्य की किरण के सामने आने पर जो होता है साइड इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, आपके चेहरे पर रैसेज वगैरह आने लगता है। अगर आपको सनबर्न की समस्या है तो भी ये आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेमेडी आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी अगर इस तरह हल्दी का यूज नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, एक ही बार में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा, सुबह आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लगेगी फ्रेंड्स। तो इस तरह आप नाइट में कीजिएगा और उसके बाद सो जाइएगा फ्रेंड्स वॉश करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।